सीन के अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। अब मरहला है सेकंड पोजीशन शोल्डर्स का। तो मैं साबिक वजीर सेहत मिंबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आए और हमारे बच्चों को सेकंड प्राइज दें, और उनके साथ मैं मुल्तमिस हूँ आसिफ ज़ुबैर शेख साहब से कि वो भी आए और बच्चों को सेकंड प्राइज दें, और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब के लिए भरपूर तालियां भी आपकी तरफ से होनी चाहिए। सबसे पहले मैं सीजी सेक्शन के बच्चों को दावत देना चाहूंगा, सेकंड प्राइज होल्डर अब्दुल्ला फैसल नर्सरी चूले, मलाहिम जावेद नर्सरी चूले, आयत कुरैशी नर्सरी चूले, मोहम्मद इब्तिज़ाम नर्सरी चूले, अजमान नूर नर्सरी चूले, अरूज अली नर्सरी रोज, मोहम्मद सिक्रिया ब्रेड ट्यूले, इब्राहिम कयूम अब्बासी ब्रेड ट्यूले, अलीसा शाहिद ब्रेड रोज, कमर समान ब्रेड रोज, अनाया बाबर ब्रेड तंजी, मोहम्मद शहजाद अली ब्रेड तंजी, उबैदुल्ला काशिफ ब्रेड तंजी, हमदा अहमद चाद फर्स्ट ट्यूले, नूर फातिमा फर्स्ट रोज, हारूश आता फर्स्ट रोज, अब्दुल्ला वसीम सेकंड ट्यूलिप, हमना आबिद सेकंड रोज, अनीब परवेज थर्ड ट्यूलिप, असीब अहमद थर्ड ट्यूलिप, अनब अफजल थर्ड रोज, फातिमा आतिफ थर्ड ट्यूलिप, अबू बकर फोर्थ रोज, सनौरा फोर्थ रोज, फिफ्थ ट्यूलिप, हमसा मंसूर फिफ्थ रोज, सारा पतू सिक्स ट्यूलिप, इब्राहिम फिरोज सिक्स रोज, मिलाल बनी ईमान गोल नर्सरी रोज, मोहम्मद शाफा नर्सरी ट्यूलिप, अहमद अब्दुल्ला थर्ड रोज, रजा अली थर्ड ट्यूलिप, इनामुल्ला थर्ड ट्यूलिप, मोहम्मद बलीन थर्ड पेंसी, फायजा नसीब फोर्थ रोज, फायजा बीबी फोर्थ ट्यूलिप, सच्चाई से
अपना सेकंड प्राइज रिसीव करें। शायानी यूसुफ सिक्स रोज, शबाब अहमद सिक्स यूनिट, नियामत उल्ला सेवन यूनिट, इब्राहिम सज्जाद सेवन रोज, अमान जुनून सेवन पेंसिल, कासिम हुसैन एट यूनिट, चले एट रोज, रुबेन अहमद मलिक एट पेंसिल, मोहम्मद मुदस्सिर थ्री साइज, मेहरान थ्री टाइज, सबागरा क्लास फर्स्ट ईयर, मोहम्मद हसान चंदू क्लास फर्स्ट ईयर, आर्यन करीम क्लास सेकंड ईयर। अजीज साहब से मुंतज हूँ कि वो आए और अपने ख्याल का आगाज करें। जनाब शोभन यूसुफ अजीज साहब, मोहतरम जनाब, मुश्ताक अली साहब, सुबाई वजीर अल्लाह ताली, जनाब आसिफ जुबेर शेख साहब एम डी मॉडर्न स्कूल, सजाद अकबर साहब और मेरे मेरी बहनों भाइयों बच्चों, और सबसे पहले तो मैं जनाब आसिफ जुबेर शेख साहब और स्पेशली असातिज़ा को, स्कूल के इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की इस तकरीब से ये साबित हो रहा है कि इस स्कूल ने अच्छी तालीम के साथ साथ किरदार साजी में भी बड़ा रोल अदा किया है। बच्चों और जो चीज़ होनी चाहिए कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, हमारे स्कूल का इशू क्या है, तो आज साइंस लेबोरेटरी जाने वहाँ जाकर देखा कि बच्चे ज़्यादातर जो उन्होंने काम किया सोलर एनर्जी, इस मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है एनर्जी, तो मैं इसमें भी आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने फ्यूचर के लिए बच्चों को तैयार कर लिया है कि उनको पता है क्या इस मुल्क का मसला क्या है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये मसला हल भी हो सकता है और बड़े अच्छे तरीके से इन बच्चों ने उसका हल भी बता दिया है। तो मेरे ख्याल से हमारे जो गुमरान हैं उनको भी ज़रा सीखना चाहिए कि हल मसले कैसे हल होते हैं। आज जो पीटी मैंने देखी स्टेज पे, जिस तरह बच्चों ने एक तो चारों सूबों का जो रंग आपने बिखेरा स्टेज पे, उसमें कश्मीर को भी डाला, उसमें गिलगित बल्तिस्तान को भी डाला, तो कि वो हमारे इससे अभी नहीं है, इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि हमारे इससे, क्योंकि कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग मुतनाज़ा रियासत डिक्लेयर किया है। लेकिन इस स्टेज पे जिस तरीके से हम तमाम सूबों और रियासतों के रंग बिखेरे हैं, तो इससे पाकिस्तान की यकजहती उजागर हुई है और इस पर भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात ये कि जो अर्पण बच्चे यहाँ आए, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि जी तुसी ग्रेट हो, और जिस तरीके से उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस रहा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि तरक्की करना ये किसी की विरासत नहीं होती है हुकूमतों में आना, वरना मैं भी टाइम स्कूल में पढ़ा हूं और मुझे इसमें फख्र है कि मेरे उस अपने छोटे से गांव में टाइम स्कूल पे अक्सर तो टाइम छोड़े जो हमारा फर्श होता वो भी टूटा होता था। तो लेकिन मेरा आज बेटा एमबीबीएस डॉक्टर है, मुझे इसमें भी फख्र है। ये कि तरक्की किसी की विरासत नहीं है, ना पैसा ना हुकूमत, आप सब हुक्मरान बन सकते हैं, आप सब ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, आप सब इस पाकिस्तान के इक्तदार आला तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस, और मेरे ख्याल से इस स्कूल ने आपको बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि इस तरह के स्कूल, काश के हमारे सरकारी स्कूल भी इस तरह हो जाए।
उसके लिए मैं इंशाल्लाह ताला आला तालीम के वसीम साहब जो मौजूद हैं मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप खुद भी एक स्कूल आपका है, कॉलेज है। मेरे ख्याल से कि हमें आज तक हम देखें हमारा स्टील मिल जो है वो खसारे में जा रहा है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि हुक्मरानों की जो स्टील मिल है वो कभी खसारे में नहीं गए। हमारे भी आइए खसारे में है, लेकिन जो हुक्मरान हमारे जिनके पास अपने जाती जहाज है, जो प्राइवेट जहाज चले वो कभी खसारे में नहीं गए। मेरे ख्याल से अभी हमें अपने उस पर सोचना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही है, और जाहिर है गलती यहाँ हो रही है कि हमारे इदारे टूट फूट का शिकार है, करप्शन में हमारा माशरा इतना बिगड़ा हुआ है कि हम हर एक दूसरे पर शक करने लगे कि ये नहीं करप्शन। तो इस माशरे से जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी और जब तक हमारे अंदर इस तरह के मुकाबले, इस तरह के मौके नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से फिर आगे तरक्की करना काफी मुश्किल होगा। हमारे मेरे ख्याल से जो निसाब हमारा है उसमें ये चीज़ जरूर शामिल होनी चाहिए कि वो हमें पाकिस्तानी बनाए, वो हमें किसी सूबे या जात पात का निशाना ना बनाए, एक पाकिस्तानी बनाए हमें। और बाकी मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो स्वीट होम की बात की गई यहाँ पे, जमरुद खान ने वाकई बहुत बड़ा काम किया, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, वो क्यों हमारी पार्टी का नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया और जो अच्छा काम करते हैं उसको हमेशा लोग याद रखते हैं। इसी तरह जो अभी इसका MDA वो खुशकिस्मती से मेरा क्लास फेलो है, मैं इंशाल्लाह ताला मैं अभी स्पीकर साहब से कह रहा था कि अगर इस तरह कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी मंसूबा यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं वहाँ पे, तो मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, ताकि हम अपने जो बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं उन तक उनको हम पूरे पूरे मौके फराहम करें। मैं आपको किस्सा सुनाऊँ, मेरे वालिद उनको लीवर कैंसर हुआ 2011 में, और शौकत खानम ने कहा कि जी इसका इलाज यहाँ पे मौजूद नहीं, आप इनको ले जाएं। ये मान लीजिए बहुत तकलीफ दे बात थी, लेकिन बाद में पता चला कि इसका ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो उसमें 1 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था, तो हमने वो 1 करोड़ रुपए अरेंज करके अपने वालिद साहब के लिए लीवर ट्रांसप्लांट कराया 2011 में। आज भी वो माशाल्लाह सेहतमंद है, दुआएं देते हैं। तो मेरे ख्याल से जो वालिदैन आप पे आपकी सरपरस्ती कर रहे हैं, आप अपने वालिदैन की कदर करें, यही लोग हैं, यही हैं जिनकी दुआओं से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं आखिर में इतना कहूँगा कि अहमदाबाद में हमेशा अहमदाबाद में कहूँगा कि ये तालीमी इंस्टीट्यूशन या तालीमी एक किस्म का इदारा बन चुका है अहमदाबाद का नाम तालीमी लिहाज से। तो कोशिश होनी चाहिए जितने भी हमारे इदारे हैं वो सिर्फ कमर्शियल बुनियाद पे ना सोचें, वो ज़रूर इस लिहाज से आगे निकलने की कोशिश करें मुकाबले में कि हम अपने बच्चों की कैसे किरदार साजी करें, और आगे चलकर इस इंस्टीट्यूशन के बच्चे फ्यूचर के पॉलिटिक्स में, फ्यूचर के इदारे बनाने में वो अपना क्या रोल अदा करें। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही कि मैं इनको सीखूँ और मैं इनको मैं स्पीच करूँ, थोड़ा मैं कामयाब हुआ हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि इनको मैं स्पीच करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कुछ तकलीफ के मूड में हैं? अब मैं दावत दूंगा अपने सिटी कैंपस के नन्हे मुंडों को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और आपको एक धोखे पर टैबलो पेश करें, स्किट पेश करें। आपकी